ओ, वो देख शिवानी के बाप का मकान कितना बड़ा है। अरे भाई, पता चल रहा है कितना रईस और बड़ा आदमी है। भाई मारे जैसो की तो ये खालतारी जाती होगी। तू मरवावेगा यहाँ में? चल गाड़ी पकड़ के सांझ तक दिल्ली पहुँचेंगे। चुप कर, डरपोक कहीं का। जब तो बड़ा हनुमान बन रहा था तू, जब डर रहा तो उल्टा चला जा, मैं अपने आप अकेला देख लूँ। अरे अरे रुक तो सही, अरे रुक जा, तेरी गैल तो भाई चलना पड़ेगा। रुक जा रुक जा। अरे अरे कौन हो, कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो भैया? यह हवेली किसकी है? तुझे पता ना है ना? या चौधरी कृष्णपाल जी की हवेली है। हैं, कृष्णपाल जी की हवेली है? हवेली है। यहाँ कोई काम वाम मिल जाएगा? यार काम, यहाँ कोई काम वाम ना, भगो यहाँ से। अरे के बात होगी नंदू? अरे पता ना कहाँ से आए, काम और मांग रहे। अरे तो मामा भाई चाचा चौधरी से मिलो। ये तो पागल सा लग रहा है यार। लग तो रहा है, मिलवाते ले चल, वहीं मिल जाएंगे। सही कह रहा तू, पूरे मजे आऊंगे। चाचा चौधरी से मिलवाओ हमें। लो जी चाय पी लो। चौधरी साहब, दो लोग आए हैं, काम मांग रहे हैं। राम राम जी। हाँ राम राम। हम जी काम की तलाश में है जी, आपके यहाँ काम मिल जाएगा तो हमें आसरा मिल जाएगा। भाई हमारे यहाँ तो काम करने वाले पहले ही बहुत आदमी हैं, हमारे यहाँ तो कोई काम ऐसा है नहीं। जाओ चलो यहाँ से। चाचा चौधरी दे दे कुछ काम। क्या काम कर लेगा तू, देखने से पागल लग रहा। अजी ना, जिस काम की नहीं आए पूरा काम करके जाए। अजी ये थोड़ा मंद बुद्धि है, पर हम मिलकर दोनों काम कर लेंगे, चाहे तनख्वाह एक आदमी की दे दियो। मैंने कह दिया ना यहाँ कोई काम नहीं है, चलो भागो यहाँ से, भगाओ इन्हें। ऐ रुक जाओ, मैं नू कह रही हूँ, कुछ दिनों बाद हमारी छोरी का ब्याह है, घर में 500 काम हो जा, जब तक रख लो। चल तू कह रही है तो ठीक है, बैग रख दो। नंदू इन्हें काम समझा दिए, बाद में इनके रुकने का इंतजाम कर दिए। ठीक है जी, चलो भैया आओ। चलो भाई। अरे दोनों सुन लो, आज के बाद तुम्हें यहाँ काम करना है। इन डांगरों की सानी करनी है, ये नहवाने धुआने हैं, और खेत का काम भी देखना है, और जरूरत पड़ी तो बाजार ही भेजेंगे, वहाँ का काम भी तुम्हें करना है। अच्छा, थारी दोनों की छुट्टी हो रही है के? क्यों? भाई सारा काम हमें ही बता लग रहे हो। तुम्हें गोबर भी ठाना। गोबर गोबर। चलो थारे पढ़ने की जगह भी दिखा दूं तुम्हें। चलो यहाँ पढ़ना था मैं। अच्छा, ओए के कह रहा हूँ, यहाँ मच्छर खाने में पड़ेंगे हम। अरे है? चुप मर ले तू, यू बेचारा भूखा कई दिन थे इस मारे भर डाल रहा। अरे एक काम कर, दो रोटी लाके दे दे इसे। लाऊं? और रोटी खा गेर में मर जाइयो, वे डोर नवाने सानी करनी है। और सुन, गोबर ठा लिए तू? अच्छा गोबर तो मैं ठाई दूंगा। हाँ गोबर तो ठाई दूंगा मैं। अरे ओ लाट साहब, दिखे तेरी आशिकी के चक्कर में गोबर ठाने की नौकरी मिली है। ज्यादा बकवास मत कर, तू ही ले आता कमरे में। अरे कमरे में तो मैं लाया था, पर ठेकेदार तो तू बन रहा था। नरक का द्वार बतावे था, अब फिर नरक के द्वार के पीछे पीछे हैं? गोड्डा भी तुड़वा दिया, देखे चप्पल भी टूट गई। अभी तो शुरुआत है, देखता जा। देखे के हाल हुआ इसका। सुन हाँ जी, वो मैं ये पूछ रहा था, इस घर में मालिक और मालकिन ही रहवे या और कोई भी रहवे? अरे चुप हो जा, चला रहा जुबान। चौधरी साहब को पता लग गया ना तो अलग मत जीव खींच लेंगे। सही पहुँच गए। अरे तू क्या कह रहा? अब मतलब अक्सादी का टाइम है, दावत भी खा लेंगे। हाँ, अरे हाँ। इस काम में जल्दी निपटा लो, फिर बबलू के साथ खेत में जो निहार लेना।
ये दोनों? अरे ये दोनों ना हमारे नए नौकर हैं। तेरे पिताजी ना सवेरे काम पे रखा है ना। चल तू भीतर चल। कैसी है? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते। कमाल है, खुद ही बुला के खुद ही वापस जाने को कह रही है। मैंने कब बुलाया? अच्छा, नहीं बुलाना था तो दीवार पे अपना पता क्यों लिख के आई? देख, मैं यहाँ तेरे पापा को जानने नहीं आया, समझ गई ना? देख, मैंने पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी है, और मैं अपने दिल की आवाज सुन के यहाँ आया हूँ और तुझे लेके जाऊंगा। लेकिन मैं तुम दोनों को ऐसे काम करते नहीं देख सकती। अरे सुनो, तुम दोनों मेरी बात सुनो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। इसे पता चल गया है औरत नरक का नहीं स्वर्ग का द्वार है, अभी वो अपनी दुल्हनिया को लेके ही जाएगा, ठीक है? अरे ऐसा है, तू भी जाके सो और इसे भी सोन दे। इसे सवेरे बहुत सारे काम करने हैं, धार काटनी है, न्यार करना है, खेतों में जाना है, झाड़ू मारनी है और दिखे मुझे गोबर उठाना। जा जाके सो जा और हमें भी सोन दे। हेलो बलवंत, कहाँ है भाई? अच्छा मच्छर मार रहा है, ले रोटी खा। अब देख भाई, जैसी जली भुनी मेरे पे बने वैसी लाया हूँ बना के। अरे तेरे हाथ की खाने की तो मुझे आदत है, पर तुझे मेरी वजह से जो दुख उठाने पड़ रहे हैं ना, इनका बड़ा। अरे यू कोई बात नहीं यार, दुख तो इस नंदू का है, सुसरा दिन भर चैन ना लेन देता, कभी न्यार कर, कभी फूस कर, कभी खेत पे जा, कभी झाड़ू लगा, कभी धार काट, कभी गोबर उठा, हैं? पर प्यार में यारी में इतना तो सहना ही पड़े, हैं? रोटी खा यार, कोई बात नहीं, रोटी खा यार। ये लो। तू यहाँ इस टाइम? मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से खाना बना के लाई हूँ। अरे यो तो घना बढ़िया कर दिया भाई। ला 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 ला, और इस खाने की तो हमें सख्त जरूरत है। इसे हटा परगु, इसे तो सवेरे कुत्ते खाएंगे। अरे तेरे हाथ के खाने के चक्कर में तो नरक के द्वार से स्वर्ग का द्वार बना है यू। देख तू आज तो ले आई खाना, आज के बाद मत लाइए, कोई यहाँ आती हुई देख लेगा तो। लेकिन? अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुझे खूब अच्छी ढाल पता, तू यहाँ किसी ने देख ली तो के होगा। जा तू अब, फिर मत आइये यहाँ। अरे ओ बेदिमाग। हाँ 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 बता, तेरे में दिमाग कितना है? दिमाग कितना है? हाँ, 2.25 किलो। अरे 2.25 किलो भाई, तेरे में तो मान रहा दिमाग है भाई, और वैसी मान रहा। दिमाग किलो में होल लगा भाई, मारा था किलो में, ये तेरा होगा ग्रामों में। वो भैंस दिख रही है? हाँ दिख रही है। उसकी पूंछ के बाल गिन क्या? अब गिन का, अब गिन का। मैं तो फंस रहा दिखूं इसमें। अच्छा ऐसा लिखड़ा जाएगा, नू तो सब जानू मैं। अरे यू ना, अच्छा यू है भैंस, यू है भैंस। थम जा विद के मत। एक दो तीन 27 28। अरे गिन लिए? हाँ गिन लग रहा हूँ, गिन दूंगा। छोड़ बाड़ो को, मेरे सुन। हाँ इस गाय के दांत गिन। अभी गिने? गिन तो। अभी गिने? ओ, हाँ इसके मुंह में बदबू भी है, इसके दातून भी करनी। छा
दातुन तो मैं थारे भी करूंगा एक दिन, और देखियो कैसे कैसे और कहां कहां तक करूंगा। आन दे मारा टाइम। ओए वो दांत काट रहा है या मैंने एक बेहतरीन सी चाय ले गया। अरे ओ सुन, हाँ तूनू बता मुर्गी के अंडे में था बच्चा बाहर क्यों करावे, और जो तू बता दे मैं तुझे मान जाऊं, तेरे में 2.5 किलो दिमाग है। अच्छा बता, ने तो फंसा दिया। पर पहले तू एक बात बता, नू बता वो जो मुर्गी का बच्चा है उस अंडे में घुसा कैसे। साले ने कर दी ना बेबुद्धि की बात। रुक जा गिन लंदे। क्या चाय लेके ना आवे, अपना आप पीने लगा दिखे। अब देखो बेटे भागे फिरोगे तम तो, और याद रखोगे। राजू किधर जा रहा? मैं वो चाय दे रहा हूँ नंदू को। नंदू को भेज दिए? ठीक है जी। चाय। वो तुझे वो मालिक बुला रहे हैं। चाय तो बेहतरीन है भाई, बढ़िया बना रखी भाई। हाँ जी, ये चिट्ठी ले जा डाकखाने में डाल दिए, और रुक ये फाइल वकील के घर जाकर वकील को दे दिए, समझ गया? हाँ जी समझ गया। क्या समझ गया? यू चिट्ठी वकील को देनी है, फाइल डाकखाने में डालनी है। दिमाग काम न कर रहा है? दोबारा से सुन, यू फाइल वकील को देनी है, ये चिट्ठी डाकखाने में डालनी है। जब जा रहा तो मेरे लिए खांसे की दवाई लेगी और डांगरों के लिए खल की बात कर जाइए। समझ गया, यू चिट्ठी डाकखाने में देनी है, यू फाइल वकील को देनी है, ढोरों की खांसी की दवाई लेकर आनी है, आपकी खल की बात। क्या बकवास कर रहा? आगे से सही सही गिन ले। हाँ गिन रहा हूँ, थोड़ी चैन पकड़ ले। मैं भी आ रहा। पता है मुझे, पर तुझे जान नहीं दूँ, जान नहीं दूँ। जान नहीं दूँ, कहाँ चला? अरे बाल गिन के बताऊँ तुझे, रुक जा। अरे छोड़, अरे जान नहीं दूँ, तेरा तो जल्दी से निकल जाऊँगा। मुझे बुलाया के बात? यहाँ तुम गाय भैंसों का गोबर उठाते रह जाना और पिताजी मेरा ब्याह कर देंगे। अरे नाराज मत हो, मुझे बता के बात। पिताजी ने मेरे लिए लड़का देखा है, दिल्ली से, ठेकेदार है, और वो कल मेरी गोद भराई के लिए आ रहे हैं। गोद भराई के लिए आ रहे हैं ना, कोई बात ना, कौन सा फेरे करके ले जाऊंगे? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कोई गोद नहीं भरवानी। तू चिंता मत करे, मैं कुछ करता हूँ। जो भी करना होगा तुम्हें ही करना होगा, जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता। अरे क्या बात होगी, कैसे मुंह लटका रहा? नंदू ने फिर कोई नया पंचनामा लिख दिया के? अरे नंदू की बात ना है यार। फिर? अरे शिवानी आई थी। अच्छा। वह कह रही थी कल सगाई होने वाली है उसकी। हम्म। लड़का भी आओगा कल। अच्छा। गोद भराई होनी है, होनी नहीं चाहिए।
किसी ढाल भी कुछ भी करो। बात तो सही कह रही है, हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे उस काम को तो हम कर नहीं रहे, फालतू फालतू काम में लगे पड़े। अरे तो के करे कुछ बता। अब सारी बात मैं ही बताऊं के, तेरा काम है तू जाने है, तेरे चक्कर में मेरी और गोबर ठाने की नौकरी लग गई हो। अरे तू बातों का हनुमान है के फिर, कुछ तो जुगाड़ सोच यार। तू भी यार अजीब आफत है, तेरी ने जुगाड़ ही सोचते रहो। तू एक काम जो करे। हाँ बता। जो काम नंदू की गैल करा था वो काम इस लड़की गैल कर दे। अरे तू पागल है के, वे रिश्तेदार हैं यार, ऐसे करे करे। अरे तू रिश्तेदार इन्हीं के तो हैं। सोच, जब उस लड़के को नाड़ा बांधने की फुर्सत ना मिलेगी वो शिवानी को नहीं देखने का, जब देखेगा ही ना तो गोद भराई काहे की होगी। चल सो जा। अब देख इसमें मैं कांड कर देता हूं। गिर दे, तू गिर दे, गिर दे। गिर, ए हाँ। भाई वाह। ध्यान ते दे दी। सही है। ले जा। ध्यान ते। बिल्कुल। अरे चौधरी साहब, इन लड़कों के भी नए नए अरमान हैं। ये कह रहा था मनीष मल्होत्रा की डिजाइनिंग शेरवानी पहने। क्यों ना हो, हमारा होने वाला इकलौता दामाद है, लाखों में एक है, लाखों में। लो जी चाय मसाले वाली। चौधरी साहब चाय पियो। बाबूजी आप भी लो। लो बेटा, समधन जी को दो। और बता बेटा प्रकाश, तेरी ठेकेदारी कैसी चल रही है? अंकल जी ग्रेट, बहुत बढ़िया। वो जो मेरठ से लखनऊ नेशनल हाईवे जा रहा है ना, उसका काम भी मुझे ही मिला है। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो बेटा नमकीन ले लो। बहन जी शिवानी को बुला लेता, गोद भराएगी और उसमें हो जाती। शिवानी की माँ, जरा शिवानी को बुला के लाओ। हाँ जी अभी ला रही हूँ बुला के। और चौधरी साहब ये बाल कैसे उड़ गए, क्यों ज्यादा टेंशन लेने लगे? इस उम्र में आके उड़ जाते हैं। अब क्या करें? लो बेटी भी आ गई, बैठ जा। ओह नो। अरे क्या बात हो गई हरदयाल जी? अरे कुछ ना चौधरी साहब, पेट में कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही। अच्छा ऐसा केक खा लिया था आज आपने? कुछ ना, पहले तो सही था, बस अभी चाय पी है, उसी से गड़बड़ सी लग रही है। चाय तो हमने भी पी है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। सुभाष बैठ जा, चौधरी साहब को टॉयलेट ले जा। की बात। जाओ चौधरी साहब। आओ जी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? पापा आ जाएंगे। मैं अभी आ रहा हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बापू तुम रहने दो मुझे, वहां दो खींच रहे। तू लड़की दे बापू, मुझे वहां दो। मैं जान मत दे, जान मत दे, पकड़ के दूसरी में लेके चला जा लैट्रिन में। खींच खींच खींच। अरे मेरे निकल गए से, दूसरी लैट्रिन में ले जाओ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। तेरा भी इंतजाम करूँ। आ जा आ जा। अरे हो गया, खोल रहा हूँ खोल रहा हूँ। अरे के हो गया, खोल ना कुंडी। हाँ खोल रहा हूँ, परेशान मत हो। अरे तू हट, मैं खोलू। चल ना जी, मैं नौकर हूँ, मैं खोल लू। अरे वो कहाँ रह गए, क्या हुआ? छोड़ी आया जी, उन्हें टाइम लगेगा।
भगवान, आज पता नहीं क्या होगा। ओ भगवान, बिलोन लगी भाई, बिलोन लगी। एक बार राजेंद्र को तो बता के आऊं, कुछ और तो ना करना। हो गया काम, लग रहे सारे लाइन में। तू एक काम कर, साले को लड़के को तू दुखी कर, अब क्या बड़न ही मत दे। सही कह रहा, सही कह रहा, अभी गया। मरवा दिए, पता नहीं आज क्या होगा। अब क्या पिला दिया घोट के, पिरोल लगी हो, क्या करूं भैया। अरे बेटा क्या हुआ, पेट में थोड़ी परेशानी होगी। अब कहाँ जा रहे हो बेटे? अभी आ रहा हूँ। पक्का इलाज कर दूंगा आज इसका, पक्का। अरे कौन चला गया? अरे रुक जा, ठंड रख ठंड। अरे बाहर आ जल्दी। अरे कुछ घर में ले जाइए, सारा बारदाना यही लिखाड़ेगा। ये मरवाएगा भाई आज। अरे बाहर आ जा, बाहर आ तू। अच्छा यही करेगा, घर नहीं ले जा। चौधरी साहब तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। चौधरी साहब, मारी हिम्मत तो रही ना अब रुकने की, बाद में देख लेंगे गोद भराई वगैरह। भाई साहब गोद भराई बाद में कर लेंगे, पहले मैं इन लोगों को डॉक्टर के पास। हाँ ऐसे ठीक रहेगा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, ओ तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा के बोले जोगी का एक तारा। ओए होए, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। भैया हाँ, तू आज आप अकेले, बाकी सब कहाँ गए? हाँ नंदू कह रहा था खेत बुआई का टाइम आ लिया ना, वो खेत खाली करना है, बस सब वहीं गए बरसम सी काटने। अच्छा। सुन। हाँ। जिसे तो ढूंढ रही है ना, वो भी वहीं जा रहा। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, ओ तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर। आ गया, आ गया। चल लग। काम तो बढ़िया कर रहे भाई। सुनो जी, सुनो जी। अरे सुनो जी, सुनो जी। हाँ सुना, के बात है? की बात है। अरे राजू कौन है वो सुनो जी वाली? अरे मुझे की पता। हाँ भाई कौन है तू? हमें उल्लू मान रहा, या तो बहू कहवे। अरे ऐसा कुछ ना है, कौन है भाई तू? कौन हो जी तुम, इसे सुनो जी कह के क्यों बुला रही हो? जी मैं इनकी घर वाली हूँ। चली जाओ यहाँ से। अरे के मामला के चल रहा है, हमें बता दे कुछ। जी ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। मैं इनकी घरवाली हूँ और ये मुझे गाँव में छोड़ आए थे गुस्सा होके, और मुझे इनकी याद आ रही थी। जा तू ना, गजब हो जाएगा यहाँ। अरे गजब तो हो गया, तू तो नुकेरा मेरा ब्याह ना हुआ, या कौन है? देखो जी अभी मैं इनको कैसे मनाती हूँ। अजी आपके सामने शर्मा रहे हैं ये। घनी दिना ते
चाहूँ तेरे तने एक रोज बहाने मेरा पागल यारा ढंग हो रहा तू माने या न माने माने या न माने सुन मिलना चाहूँ तेरे तने एक रोज बहाने मेरा पागल यारा ढंग हो रहा तू माने या न माने मन दिन में चैन नहीं मिलता और ना कटती मेरी रात मैं तेरे प्यार में मन सपने में भी तू दिखे मैं नाम तेरा ही रटती मैं नाम तेरा ही रटती हाय सो सो मन की झल उठे और डाकते ना डटती मन सपने में भी तू दिखे मैं नाम तेरा ही रटती मैं तेरे नाम की जो गुण हो रे फीके आगे ठाट मैं तेरे प्यार आज मैं बिगड़ गया पर वो छोड़ दो गोद भराई की रस्म तो रही गई। ना ना चौधरी साहब हमें कोई दिक्कत ना है 16 तारीख ब्याह की पक्की रही। ठीक है चौधरी साहब राम राम। मैं उस छोरी से बिल्कुल ब्याह ना करने का हूँ। क्यों के बात हो गई? देखा ना था तुमने हम दोनों की हालत पे किस तरह से दांत फाड़ के हंस रही थी। तू ठीक कह रही है मैं भी देख रहा था कैसा अपमान हुआ हमारा चौधरी की छोरी कैसा हंस रही थी मारे ऊपर। पर सोचो चौधरी की छोरी अकेली है खूब माल मिलेगा एक बार ब्याह हो जान दो उसके बाद देखा कैसे मजाक बनावेगी। अरे नंदू तू इधर आ। बाबूजी राम राम। राम राम। आप यहाँ कैसे आ गए? कहीं ना ये पास वाले गांव में कुछ काम से जा रहा था। अच्छा और सब बढ़िया? हाँ जी बढ़िया। ये बता शिवानी के बारे में क्या जानता है? शिवानी जी मारी